हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आपको ये भी बता दें कि ठोक रोडो रामपुर में 28 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में जारी किया है अलर्ट। चंबा कांगड़ा शिमला कुल्लू में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मंडी बिलासपुर सोलन और सिरमौर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज और कल भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होते हुए प्रदेश में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस बारिश का कहर 8 जिलों पर देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट 8 जिलों में जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल ठाकुर जुड़े हुए हैं। कमल, जानकारी चाहेंगे, एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है हिमाचल में। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता है वो लगातार देखी जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है आज और कल प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से तबाही भी देखने को मिल रही है। शिमला के रामपुर के अंदर बीती रात को जो है बादल फटा है और इसी तरह की अन्य घटनाएं प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। आज और कल प्रदेश में 8 जिलों में जो है भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और उसके बाद जो है परसों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल ऑरेंज अलर्ट है। तो ये जो प्रदेश पर जो है बरसात का जो कहर है वो लगातार जारी है। और जी कमल, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात करें तो 600 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद पड़ी हुई हैं। प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ से उन सड़कों को कैसे खोला जाए और दूसरी तरफ अब जिस तरीके से बारिश का अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है, ऐसी चिंता भी है, चुनौती भी है। जी बिल्कुल, प्रशासन और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 600 से ज्यादा सड़कें जो हैं अभी तक बारिश का जो कहर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था उसके बाद 600 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है, जिससे जो है जनजीवन पूरी तरह कटा हुआ है। वहीं पानी की परियोजनाओं की बात की जाए, विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए, तो ये सभी परियोजनाएं जो है अभी 300